हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक जीके कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए है लार ग्रंथ, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अमाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी सेरिबलम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ऑप्शन ए किण्वन, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी दहन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी वसा अम्ल, ऑप्शन डी सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? ऑप्शन ए 90/60, ऑप्शन बी 120/80, ऑप्शन सी 200/130, ऑप्शन डी 140/160। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी एंजाइम, डी हार्मोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी ट्रैकिया, ऑप्शन डी क्लोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी पक्षाघात, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? ऑप्शन ए अवशोषण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी उत्सर्जन एंड ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी टहनी, ऑप्शन डी तना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ा का आकार होता है? ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी बेलनाकार, ऑप्शन सी शंक्वाकार, ऑप्शन डी अंडाकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शंक्वाकार। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था?
ऑप्शन ए रॉबर्ट, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी बेलिस एवं स्टार्लिंग, ऑप्शन डी ब्राउन पोर्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बेलिस एवं स्टार्लिंग ने।